आप ये है कि अभी डिस्प्ले वॉल का चर्चा चल रहा है, हर जगह डिस्प्ले वॉल पे बातें हो रही है, जहां देखो डिस्प्ले वॉल पे बातें हो रही है, डिस्प्ले वॉल्स के लेकर के मीटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग को समस्या भी आती होगी या आ रही होगी या है कि डिस्प्ले वॉल कैसे खुलवाएं, पैसे को चैलेंज लेकर के हो रहा है ना, या डिस्प्ले वॉल क्यों खुलवाएं, इससे हमारे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, डिस्प्ले वॉल से हमें क्या नुकसान हो सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि डिस्प्ले वॉल कैसे खुलवाएं। डिस्प्ले वॉल कैसे खुलवाएं? डिस्प्ले वॉल तो 10,000 का सामान खरीदने से खुल जाती है। जी, जो व्यक्ति जिसके पास मान लीजिए 10,000 रुपये नहीं है इकट्ठा, अभी मैं जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये नहीं, मेरी नौकरी 8,000 रुपये की है, 10,000 रुपये की है, और मैं चाहता हूँ खुलवाने के लिए, तो वो मैं कैसे खुलवाऊँ, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये तो है ही नहीं। मैं 10,000 रुपये कैसे लगाऊँ? अगर मैं 10,000 रुपये लगा दिया तो मेरे तो बच्चों की फीस, स्कूल का खर्चा, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, वो तो हो नहीं पाएगा 10,000 में। उसके पीछे कोई ऐसी चीज बताएं कि जिसको अगर थोड़ी समस्या आ रही हो डिस्प्ले वॉल को लेकर के, या टीम में बात कर रहे हो, तो वो कैसे करें। नहीं सर, बिल्कुल बात तो ठीक कह रहे हो आप। ये बात मेरे सामने भी कई बार आती है, तो इसका जवाब किस तरीके से दूं? मैं ये कह सकता हूँ कि ना, अगर किसी व्यक्ति के पास में 10,000 रुपए की जमा पूंजी नहीं है, तो सबसे पहला काम तो उसको ये करना चाहिए कि वो जी जान लगा के आरसीएम को सीखना शुरू करे। और अब उसको आरसीएम की बहुत सख्त जरूरत है जिसके पास 10,000 की जमा पूंजी नहीं है। पहले तो पहली बात तो 10,000 की जमा पूंजी हर आदमी के पास होती है, और अगर नहीं है तो उन्हें ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को के लिए तो आरसीएम बिजनेस मान लो एक मसीहा के रूप में आया है, जो उन्हें रोडपति से करोड़पति बना सकता है। मैं तो सर, जिस व्यक्ति के पास 10,000 की जमा पूंजी नहीं है वो तो रोडपति ही हुआ। तो इस घोर कलयुग में सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और नेक नियति से अमीर बनने का एक ही रास्ता है, वो है आरसीएम। और आम आदमी जिसके पास 10,000 की जमा पूंजी नहीं है, उसको तो आरसीएम बिजनेस की सख्त जरूरत है। और उनको अब करना क्या चाहिए? अगर उनके पास 10,000 नहीं है तो वो क्या करें, वो आरसीएम से 500 रुपए का, 1,000 रुपए का जितना सामान खरीद सकते हैं वो उतना सामान खरीदें और डेली रिटेलिंग पे आ जाए। उनको बस थोड़ी सी अपने 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 अपलाइन से बात करके, अपने पीयूसी होल्डर से बात करके, कुछ ऐसा उनसे वो बनाना पड़ेगा, अपना कुछ ऐसी जानकारी लेकर के ऐसा कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा पीयूसी होल्डर के साथ कि सर मैं आपसे रोज सामान लेता रहूंगा और रोज बेचता रहूंगा, रोज पैसे लाके देता रहूंगा, रोज सामान लेता रहूंगा, और जब मेरा 10,000 का सामान पूरा हो जाए तो मेरा इकट्ठा बिल काटना, क्योंकि डिस्प्ले वॉल को चालू करने के लिए तो आपको इकट्ठा ही बिल काटना पड़ता है 10,000 का। तो उन्हें डेली 500,000 का सामान आरसीएम बाजार से लेना है, जितने पैसे हैं उतना लेना है, और डेली रिटेलिंग पे फोकस करना है, डेली उनको मेहनत करनी है और डेली उसको रिटेल करना है, अपने पड़ोसियों को दे के आना है, अपने फ्रेंड सर्कल में दे के आना है, अपने रिश्तेदारों में दे करके आना है। और जब आप 15-20 दिन में लगातार 500-800 रुपए का सामान डेली रिटेल करके आओगे, तो 15 दिन में आपका 10,000 का सामान इकट्ठा हो जाएगा, तो आपकी डिस्प्ले वॉल खुल जाएगी। और मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि डिस्प्ले वॉल से ही, डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब ही पहला रास्ता है आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने का। अगर कोई व्यक्ति अभी तक डिस्प्ले वॉल नहीं खोले हुआ या फिर अभी तक डायमंड क्लब नहीं कर रहा, तो मैं उनको बता दूं कि उनकी सक्सेस आरसीएम में आ तो जाएगी, लेकिन पता नहीं कब आएगी, ये मुझे भी नहीं पता, कोई डेट पता नहीं इसकी। लेकिन ये है कि जो व्यक्ति डायमंड क्लब को कर रहा है और डायमंड डिस्प्ले वॉल को कर रहे हैं और डुप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ये 3 डी है, डिस्प्ले वॉल, डायमंड क्लब, डुप्लीकेशन, इन 3 डी पे अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली बिजनेस चलेगा। क्योंकि अगर आप डिस्प्ले वॉल खोल के बैठे हैं, सिर्फ डिस्प्ले वॉल खोल रखी है आपने, आप 10-20 हजार का सामान सेल ही नहीं कर रहे, डिस्प्ले वॉल का फायदा क्या? मतलब दुकान तो खोल ली हमने, लेकिन उस दुकान से माल ही नहीं बिकता हमारा, तो उसका फायदा क्या? अगर आप डायमंड डिस्प्ले वॉल तो कर है आपके पास, डायमंड क्लब नहीं कर रहे, तो डिस्प्ले वॉल का क्या फायदा? अगर आपका डायमंड क्लब भी है और डिस्प्ले वॉल भी है और उसको डुप्लीकेट अपनी टीम में नहीं करवा रहे, तो अकेले कब तक करते रहोगे? तो ये तीनों चीजों को एक साथ लेके चलना है। तो कोई व्यक्ति जो एक साथ पैसा नहीं लगा पा रहा किसी कारण से, तो वो फिर जी डेली रिटेलिंग करे और डेली काम करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है आज के टाइम में।
10,000 रुपए होते हैं सबके पास, कहीं ना कहीं से हो जाता है अरेंजमेंट। और 10,000 का सामान लेकर के आप जब लगातार 10,000 रुपए की पूंजी सबके पास होती है, सर आज की डेट में एक पान का खोखा खोलने जाओगे ना आप या चाय की दुकान लगाने जाओगे, तब भी 30-40 हज़ार रुपए की पूंजी लग जाती है आपकी। आराम और से यहाँ तो आपको पूंजी नहीं लगानी, आपको 10,000 का वो सामान खरीद के लाना है जो नहीं बिका तो अगले महीने आपके घर में काम आ जाएगा। राइट तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरीके से करें, लेकिन बिल्कुल डिस्प्ले आपने वॉल सही बहुत आपकी जरूरी है, डिस्प्ले वॉल बहुत जरूरी है। बातें से मुझे भी एक चीज समझ में आ रही है कि मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपये नहीं है तो अब वो डिस्प्ले वॉल खोलना चाहता है, तो अगर दो तीन लोगों से बात भी जैसे कर लेता है कि चलो मेरे साथ में दो तीन लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनकी अगर बिलिंग करा के अगर वो अपने डिस्प्ले वॉल पे बिलिंग करा के और उनको प्रोडक्ट काट सकता है, राइट? जी ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो ऐसा भी अगर करते हैं तो कैसे ऐसा भी हो कैसे सकता है, जैसे मिलकर के भाई एक आईडी पे डिस्प्ले वॉल पे बिलिंग कर ली और फिर वो बिल काट दी, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ ऐसा भी करते हैं हम लोग कई बार, कोई किसी व्यक्ति की हेल्प करनी हो हमें तो हम अपना सामान साथ ले जाते हैं, वो अगर वो बंदा हेल्प मांग रहे हैं तो हमने अपने सामान को सेल कर दिया, उनको डिस्प्ले वॉल में करा दी। वो तो टीम वर्क है जी, देखो आपकी अपलाइन से कितना आपका प्रेम है, अगर आपकी अपलाइन से आपका प्रेम है तो आपकी अपलाइन आपके साथ फिर दौड़ लगाने के लिए भी तैयार है, तो वो आपकी अपलाइन और आपका कैसे संबंध आपके हैं, कैसे रिलेशन आपके हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। जी सर, और मैं बैठे बैठे मैं देख रहा था सर, जो ये आपके पीछे जो ये स्क्रीन है इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कारण है, ये जो लिखा गया है ये समझ में तो आ नहीं रहा मुझे, ये आपके पीछे स्क्रीन लिखा है ये, और तो इंग्लिश तो आती नहीं, मैं स्नूज वैसे मैं आती स्नूज नहीं। स्नूज स्नूज का मतलब नहीं पता, सर मतलब स्नूज का मतलब बड़ा सिंपल सा मतलब है, आप सबके मोबाइल में होता है, अगर आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाएंगे तो जब सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा तो दो बटन आते हैं, एक तो आता है कि आप अलार्म को स्नूज कर दें, और एक बटन आता है कि अलार्म को आप उठ गए हैं ओके कर दें कि अलार्म बंद हो जाए। अगर आप अलार्म को स्नूज करते हैं, स्नूज करने का मतलब ये होता है कि 5 मिनट बाद दोबारा बजे, फिर दोबारा यस स्नूज करेंगे तो 5 मिनट बाद दोबारा बजे, तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हो कि स्नूज कर रहे हो बार बार, मतलब अभी जैसे कोई मौका आपके पास आया, अभी कोई यस मौका आपके पास आया, जैसे सुबह उठना है मान लो आपको, तो मौका आपके पास आया और आपने कहा कि 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, तो हमने लिखा कि इफ यू स्नूज यू लूज, मौके बार बार नहीं आते भैया, एक बार अगर आ गए तो फिर हो गया। तो एक हमारे हमारे एक बात याद आ गई मुझे अचानक, वो बोलते हैं कि आपको ना हर बॉल पे छक्का मारना है ना कि आपको आउट होना है, तो इस बात को मैंने सीखा, इस बात को मैंने सीखा, और मैं भी पहले पहले जमाने में आज से 5 साल 8 साल पहले स्नूज किया करता था, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता था, थकावट भी हो जाती थी, तो अब सुबह काम पे तो जाना है हमने, 5 बजे उठना है, मंडी जाना है या फिर सब्जियां खरीदने जाना है या कोई भी काम करने जाना है, तो जैसे ही अलार्म बजा 5 बजे का तो स्नूज बटन दबा देते हैं यार, और 5 मिनट सो लेता हूँ ना, और 5 मिनट सो लेता हूँ ना, 5 मिनट बाद अलार्म बज जाएगा फिर उठ जाऊंगा। तो जैसे जैसे हम, हाँ अब हमने 5 मिनट तो स्नूज कर दिया, 5 मिनट बाद दोबारा अलार्म बज गया, लेकिन उस टाइम तो नींद में थे पता नहीं चला, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सब्जी मंडी में ज्यादा भीड़ लग गई, वो सामान हमें भीड़ में ट्रैफिक में फंसना पड़ गया, फिर उस टाइम ध्यान आता है यार मैं और वो 5 मिनट और सोया क्यों था, काश मैं उठ ही गया होता तो कम से कम इतने जाम में तो ना फंसता। तो मैं अपनी प्रैक्टिकल जो मैं सब्जी राशन का सब्जी मंडी जाया करता था सब्जियां खरीदने, जब मैं खाने का कैटरिंग का बिजनेस करता था तब की बात कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी हर बार एक बॉल डलती है, हमारे लाइफ में भी हर क्षण एक बॉल डलती है यार, हर मौके की एक बॉल डलती है, और अगर हमने उस मौके को उस टाइम छोड़ दिया तो समझो हम उस बॉल पे आउट हो गए, अगर हमने उस बॉल को खेल लिया तो हम उस बॉल पे हम फिर पास हो गए। तो जैसे ही हम स्नूज करते हैं, जैसे मान लो हमने हमारे सामने आरसीएम का प्लान किसी ने हमें दिखाया और हमने सोचा कि अगली बार करेंगे ना, और अगली बार करने के लिए हमने सोचा कि अगली बार करेंगे, तुरंत निर्णय नहीं लिया हमने, फास्ट डिसीजन नहीं लिया हमने, तो क्या हुआ, अब वो मौका तो हमारे हाथ से चला गया, अब हमारा अपलाइन ने किसी और को जाके प्लान दिखाया और वो व्यक्ति ज्वाइन हो गया, अब हम उस ज्वाइन हुए, अगर हम उस टाइम पे स्नूज ना करते, अगर हम उस टाइम पे राइट उस मौके को ना छोड़ते, तो जो व्यक्ति हमारी अपलाइन बन के बैठा हुआ है वो हमारी टीम में भी तो आ सकता था।
राइट तो हमें स्नूज नहीं करना, मतलब हमें मौका जैसे ही मिले तो तुरंत निर्णय लेकर उस पर काम करना है। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे हमारी हमारे अपलाइन है, हमारे मेरे मेरे अपलाइन है हेमंत जी, उन्होंने बोला मनीष जी ये एक आइडिया है, इस पर वर्किंग करनी हमने है, और हमने उस पर मना कर दिया। अब वो आइडिया उन्होंने कहीं और लगा दिया, तो वो आइडिया हमसे तो छूट गया ना, हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया ना अपना। लेकिन अब वो क्या हुआ, वो मौका किसी और ने ले लिया, हमसे तो मौका चला गया वो। तो हमें तुरंत निर्णय लेना है और काम उस पर करना है, तो हमें स्नूज नहीं करना। अगर हम स्नूज करते हैं तो हम स्नूज करते हैं, आप अपने मोबाइल में सब चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्नूज बटन। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच। शायद सभी लोगों को ये नई जानकारी मिली है, थैंक यू सर। अगला सर सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आरसीएम एक अवसर है लोगों के लिए? क्या आरसीएम बिजनेस एक अवसर है लोगों के लिए आज के डेट में, ये जो समय चल रहा है? सर ये जो समय चल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा अवसर है सर। देखो ना, आज अभी जब बात मैं कर रहा था कि आज की डेट में एक आप चाय की दुकान भी खोलोगे तो 30-40 हज़ार रुपए की पूंजी लगानी पड़ती है। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करोगे तो आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे है आप। अच्छा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने बढ़िया शोरूम खोल लिया या दुकान खोल ली, उसमें 20-50 लाख रुपए का माल डाल दिया, क्या गारंटी है कि वो आपके पास में वो सामान जो आपने भरा है दुकान में वो कितने दिन में जाके बिकेगा, आपको यही नहीं पता। पता नहीं 2 साल 3 साल लगे आपको रिटर्न आने शुरू हो, आपको ऐसा लग रहा है वो रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन आपकी तो पूंजी उसमें अभी तो आपने 3 साल में कमाया नहीं है 5 लाख भी, और आपकी पूंजी लगी हुई है 50 लाख। तो आपको ये चेक करना है कि भाई अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, पूरे आपने 12 साल 12वीं तक पढ़ाई की, फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, उसके बाद आपने अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन की, कोई नौकरी मिली आपको, अब वो नौकरी में आपको क्या रिटर्न मिल रहे हैं, कभी आप कैलकुलेशन लगाएं कि जितना खर्चा आपने पूरे पढ़ाई में कर दिया क्या वो रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखो ना, जैसे ही आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, अब आरसीएम बिजनेस की हम बात करें, आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते ही कमाना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने हेल्थ कार्ड खरीदा आरसीएम से, जैसे ही ज्वाइन किया आपने एक हेल्थ कार्ड का पैकेट खरीदा, और वो हेल्थ कार्ड का आपने तेल के बारे में आपके अपलाइन ने बताया कि सर इस हर्ट के लिए गए, अपने घर जा रहे हो, दोस्त मिल गया, और आपके दोस्त ने बोला कि भैया ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट, इस तेल में वर्किंग करता हूँ, और जो है ये जो तेल है ये हर्ट और ये ऑयल है। जो जो जानकारी आपको मिली थी वो आपने अपने दोस्त को बोला कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, ये हेल्थ कार्ड ऑयल है और ये मैं खुद भी यूज करूंगा और मैं इसको सेल भी करूंगा। अब आपने कोई पूंजी तो लगाई नहीं, आपने तो वो हेल्थ कार्ड खरीदा था अपने घर के लिए, आपने दोस्त ने कहा कि यार इतना ही अच्छा है तो मुझे ही दे जाओ, तो आपने कहा ये 205 रुपए का है, भाई इसका 230 रुपए या 240 रुपए एमआरपी है, ये 205 रुपए का है, आपने कोई पूंजी नहीं, आपने 2 मिनट बात की 10 रुपए कमा लिए। अब इससे बड़ा अवसर क्या होगा, कोई पूंजी लगाए बिना आपके घर में 10 रुपए की इनकम आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने लगातार वर्किंग स्टार्ट की, लगातार कहीं आप थोड़े अपने घर में प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको डिस्काउंट रेट पे सामान मिलने लग गया, फिर वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, आपने लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देनी शुरू की, 1 घंटा रोज काम करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आरसीएम से जैसे एकदम तो इनकम नहीं आएगी, तो आप अपने जॉब को भी कर रहे हो, वहां से भी आपको इनकम, जो आपकी इनकम पहले आ रही थी वो आ रही है, लेकिन अब आपने यहाँ पर भी 1 घंटा रोज काम करना शुरू किया, आपकी घर में तो प्रोडक्ट यूज हो ही रहे, 800 1000 5000 की रिटेलिंग करनी तो थोड़ी शुरू कर दी, पूरे महीना खत्म होते होते 30-40-50 हज़ार का सामान आपका गया, आपके शुरू में आपके घर में 2-3 हज़ार रुपए की इनकम आ गई। देखो आपने क्या किया, आपने सिर्फ क्या किया, अपना टीवी देखते थे आप, आपने टीवी देखना छोड़ दिया, अब अखबार पढ़ना छोड़ दिया, थोड़ा सा आपने अपना जो भी आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अब धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो गई, और उसके बाद में आप देखोगे फिर के वो बिजनेस, फिर आपकी टीम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर वो आपकी टीम बढ़ेगी, फिर टीम मल्टीप्लाई होगी, फिर आप जो कर रहे हो वो आपकी टीम करेगी,
फिर आपकी, जब आप 20-30-40 हज़ार का सामान सेल करने लग गए तो आपकी टीम भी ऐसे करने लग गई, फिर धीरे धीरे आप ईगल पिन पे आएंगे, आप रनर पिन पे आएंगे, फिर आपकी इनकम 5 हज़ार से 10 हज़ार 20 हज़ार पे चली जाएगी। आज तक आपने अपने काम को नहीं छोड़ा, आज तक आपने अपनी कोई पूंजी नहीं लगाई, आज तक आपने अपने आप को किसी भी लाइफ में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया, बस लगातार अपने जो क्वालिटी टाइम जो आप वेस्ट कर रहे थे उसको आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, और आप 1 साल 2 साल में आप देखेंगे कि आप 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार महीने की इनकम पे आ जाएंगे। इससे बड़ा अवसर एक आम आदमी के लिए क्या हो सकता है, जब जॉब नहीं मिल रही है, जब बिजनेस ठप पड़े हैं, जब इतनी सारी दिक्कतों में लोग हैं, जो शोरूम खोल के बैठे हैं वो ग्राहकों की इंतजार करने में लगे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पर नहीं, हिमाचल में बैठे हुए हैं। मुझे याद है दिवाली का दिन, अभी जो दिवाली गई है मुझे याद है वो दिवाली का दिन, दिवाली की पूजन से आधे घंटे पहले मेरे बैंक अकाउंट में 65 हज़ार रुपए आते हैं सर। इससे बड़ा अवसर हो सकता है क्या कोई? राइट, बिल्कुल, ये मतलब बिल्कुल है। लक्ष्मी कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आती है, पता नहीं लोगों के घर में लक्ष्मी कैसे आती होगी, मुझे नहीं पता। मेरे तो दिवाली पूजन, जब लक्ष्मी पूजन होना था उससे आधे घंटे पहले मेरे बैंक अकाउंट में कैश आ गया। इससे बड़ा अवसर क्या राइट, हो सकता है? कोई पूंजी नहीं लगाई, किसी से 1 रुपये लेना नहीं, किसी को 1 रुपये देना नहीं, अपने काम को आज तक छोड़ा नहीं, और अपने सपनों को पूरा करते हुए आप अपने बिजनेस को बिल्ड करते चले जा रहे हैं, और आप जहां जा रहे हैं, मजे की बात देखो, आप जहां जा रहे हैं वहां पर भी आपका बिजनेस बढ़ रहा है। राइट, बिल्कुल, तो इससे बड़ा अवसर तो मुझे तो कोई लगता नहीं है कि सच्चाई और ईमानदारी से बिल्कुल अमीर बनने का रास्ता मिल जाए तो किसी को। सर। दिवाली के समय में, मतलब पूजन के समय में ही, मतलब आधा एक घंटा पहले ही वो पैसा ट्रांसफर हुआ। मैं जॉब में हूँ, तो मुझे जो मिला, जो पैसा मुझे मिला, वो बोल क्या नाम है, बोलते हैं एडवांस में मुझे 3 हज़ार रुपये मुझे मिले। भाई दिवाली पूजन के लिए आपको 3 हज़ार रुपये मिलेंगे, बाकी पैसा जिस टाइम पे सैलरी आती है उस टाइम पे आएगा। लेकिन अचानक से करिश्मा हो गया कि समय से पहले अमाउंट बन गया, समय से पहले पैसे आ गए और इनकम आए, तो इतनी खुश, इतना खुश हुआ मैं, फटाफट जाके फिर मैं तुरंत सामान लेके आया। मतलब इतना खुशी का ठिकाना नहीं रहा मुझे। तो बताओ, बिल्कुल अगर हम जॉब में आए तो बताओ क्या हालत है, जो सर, बिल्कुल। इतनी खराब हो चुकी है आज की डेट में। तो ये तो सर बहुत अवसर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया कि बिल्कुल ये अवसर हमने लिए और इसको छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल सर, थैंक जी यू सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। और अगला जी सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए मैं ज्वाइन हूँ, और मैं ज्वाइन हूँ और मैं ऑप्शन को कर रहा हूँ, और मेरे जानकार नहीं है लोग, मुझे लोग नहीं जानते हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं वो दूर हैं, मैं अनजान जगह पे हूँ, अनजान लोगों के संपर्क में हूँ। मेरा सर सवाल आपसे यह है कि एक डायरेक्ट सेलर को नेटवर्क मार्केटिंग में अनजान लोगों के साथ में वो कैसे नेटवर्क को बनाए, नए लोगों को साथ में कैसे नेटवर्क बनाए अनजान लोगों के साथ में। अनजान लोगों के साथ कैसे नेटवर्क बनाएं, तो बहुत आसान जी है, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं तो अनजान लोगों के साथ ही, शंभू जी मेरी टीम में है, मुझे जानते नहीं थे, मेरे तो बहुत सारी ज्वाइनिंग मेरे पास है। हिमाचल में जो मेरी टीम बनी है वो मेरे को, हिमाचल में तो सोलन में मेरे दादाजी नहीं आए थे कभी, तो अभी मैं साउथ इंडिया जा रहा हूँ अनजान जगह पे, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है।